बताइए सर, मैं 21/12/2021 को प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आया। और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद सर मैंने सोचा कि यहाँ पे को लेवल कोर्स कंप्यूटर कोर्स संबंधी जानकारी ले लूँ। तो सर मैंने यहाँ पे 3-4 कोचिंग इंक्वायरी की, फिर वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा सर। फिर मैंने सर को लेवल को नाम सुना, वहाँ पर गए सर। तो वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ले सकते हैं आप। तो उन्होंने ये मुझे लालच दिया कि आप 12,000 रुपये में मंथली ले सकते हैं। आपको इसमें हम 4 चीज इंक्वायरी करेंगे, एक पर्सनल मतलब टेस्ट आपका होगा, एक आपको स्पोकन फ्री दिया जाएगा और CCC की वो दिया जाएगा, ओ लेवल कोर्स आपका 1 साल का बैच का होगा। सर बोले आप पंडित हैं, इसके नाते मैं आपको 10,000 रुपये कर देता हूँ। तो आप पंडित हैं तो कितने कर देंगे? 10,000 रुपये सर। ये तो एक ज़्यादा या कम? नहीं, औरों से कितने ले रहे हैं? कम ही है सर। औरों से कितने ले रहे हैं? औरों से सर जितना लें उससे नहीं, मतलब अच्छा। उसे बोले तुम पंडित हो इसलिए मैं तुम्हारा थोड़ा करते हो तो 10,000 रुपये कर देता हूँ। मैंने बोला ठीक है सर, कहना आओ कल से डे में लो। मैंने बोला ठीक है सर, आते हैं। फिर आए सर। बात किसने कही आपको? यही सर, सर। नाम तो सर उन्होंने बोला आइए आप डेमो लीजिए। मैं पहले दिन गया तो मुझे पहले टीचर से सामना हुआ डेमो के लिए, दूसरे दिन गया दूसरा टीचर मिला मुझे डेमो के लिए। हाँ सर, तीसरे दिन गया, 3 टीचर हमें डेमो के लिए मिले। तो मुझे मन में संशय हुआ, तो मैंने पूछा आप लोग से सर, मतलब रोजाना टीचर ही बदल जा रहे थे। फिर मैंने सर से पूछा, सर ये टीचर कंटिन्यू रहेंगे बदलते रहे? नहीं कहें बेटा, ये कंटिन्यू रहेंगे। वो टीचर हमारी एज के सर, मतलब 2-3 साल मुझसे बड़े थे, तो वो अच्छा पढ़ा रहे थे। हमने बोला ठीक है पढ़ लेंगे। तो सर वो पढ़ा रहे थे 20-22 दिन तक पढ़ा, उसके बाद वो कोचिंग थोड़ी चले गए कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इंस्टीट्यूट, मैं जा रहा हूँ। तो सर वो फिर नया टीचर लाया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर। तो फिर मैंने उनसे डेट मांगा था सर कि आप 24-25 तारीख तक मुझे मोहलत दीजिए, मैं आपको पैसे। वो जब आते थे सर डेमो के 3 दिन बाद पैसे मांगना शुरू कर दिए थे। नहीं तो डेमो से पहले भी कुछ लिए पैसे? नहीं, डेमो से पहले पैसे नहीं लिए थे। तो उसके बाद सर वो पैसे मांगना शुरू कर दिए। मैंने बोले सर 24 दिन की मोहलत दीजिए, मैं 12 तारीख तक आपका पैसे पेमेंट कर दूंगा। और मैं ये कोचिंग 18/18/23 सर जो शायद ज्वाइन किया था, क्लियर सर। उसके बाद उन्होंने फॉर्म दिया, कहीं ये फॉर्म फिलअप कर देना। मैंने बोला ठीक है सर, 100 रुपये फॉर्म का चार्ज था। मैंने बोला सर अभी पैसे नहीं है फॉर्म फिलअप करके, कोई बात नहीं है फॉर्म फिलअप करके घर से लेते आना, फिर पैसे जमा कर दे। बोले ठीक है सर। फिर सर उन्हें 12 को नहीं पाया सर, 14/13 की एग्जाम था, 14 को मैंने फिर पेमेंट किया सर ऑनलाइन 5,000 रुपये ऑनलाइन किया। उसके बाद जब वो टीचर चले गए तो सर मैं वो टीचर जो लाया वो मुझे समझ नहीं आ रहा था पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने वो डेमो में नहीं था वो टीचर पहले? नहीं सर, वो नहीं थे। तो सर वो बोले कि अब तुम्हें मतलब इन्हीं से पढ़ना होगा। उनका सर ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, मैं कोचिंग आपका इंस्टीट्यूट छोड़ दूंगा। उस वक्त मैं सर गुस्से में आया और आवेश में आ गया सर। उनसे बोला सर मैं फॉर्म नहीं जमा किया हूँ, अब मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मैंने बोला उन्हें। तो वो पैसे से वकील हैं, तो बोले बेटा ऐसी बात है समझो। तो मैंने बोला सर नहीं, मुझे पैसे मेरे वापस चाहिए। तो बोले ठीक है मिल जाएगा। उसके बाद बोले कि तुम 10 दिन बाद आना, तुम्हारे पैसे दे दूंगा मैं। हमका बोले ठीक है सर। फिर वो 10 दिन बाद जब ऑफिस में गए उनके, तो बहुत लाल गुस्से से होकर बोले तुम कैसे आए ऑफिस में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑफिस में आने की, तुम कैसे पैसे लोगे, तुम्हारा कौन है यहाँ पर, मैं सब देख लूँगा, तुम्हें जो जानते हैं वो भी बुला लाओ, मैं सबको देख सकता हूँ कौन है। और वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही गवाह चाहिए मुझे, वहाँ पर मतलब मैं सब कुछ कर दूँगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे सर मुझे डांटे हो। मैं डर सा गया सर, मतलब अभी मुझे ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं आए। तो पापा से बात किया, पापा बोले चले जाओ, नहीं तो चले जाओ घर। फिर मैं मतलब रूम पे चला गया सर। उसके बाद फिर वो डेट दिए, फिर मैंने कॉल किया। फिर सर जब भी उनको कॉल लगाता हूँ, फ़ोन ना वो रिसीव करते हैं ना कुछ करते हैं सर। जब बोलते हैं पहले बोले मतलब रक्षा बंधन का तुम्हारा दे दूँगा, फिर बोले कि 28 तारीख दूँगा, फिर बोले 2 सितंबर दूँगा, फिर बोले 20 सितंबर दूँगा, फिर बोले 30 सितंबर दूँगा। किसी थाने पर आपने दी फिर एप्लीकेशन? नहीं सर, एप्लीकेशन नहीं दी थी सर। देनी चाहिए थी ना सर। थाने एप्लीकेशन मुझे सर भरोसा नहीं हुआ, मतलब एक फ्रेंड ने मुझे दिया था उनका मोबाइल चोरी का, अभी तक उनका कोई वो नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा नहीं लगा सर थाने पर हो सकता है, मुझे अंदर से डर भी लग रहा है सर बहुत। मैं पहली बार आमने सामने मतलब सर उनकी थोड़ी रिकॉर्डिंग है सर, एक प्रेम पुरानी मोबाइल हो गई थी सर, तो उसे मैं बहुत आग्रह उन्हें किया, तो उन्होंने मुझे 1,000 रुपये उसमें से दिए, 5,000 रुपये में से। अच्छा। और फिर देने के बाद मैंने उनसे सर 265 रुपये रिचार्ज भी कराया, वो भी पैसा मुझे नहीं दे रहे हैं। और बोल रहे हैं सर ये सुनिए थोड़ा सा सर, आप भी सुनोगे। तो आपके कितने रुपए हैं? 4,000 रुपये हैं। नहीं सर मुझे 4,000 चाहिए भी नहीं, मतलब मैं उनसे बोला सर 1,000 रुपये आप काट लीजिए, महीना मैंने कोचिंग किया है,
तो आप उस जितना समझ के 1000 रुपये उनका बनता है। तो आपको कितने रुपए मिलने जाने चाहिए आपके हिसाब से, आपके हिसाब से कितने रुपए वापस हो जाने चाहिए? मेरे हिसाब से 4000 रुपये, 4000 क्या सर, 4265 रुपये मेरे वापस होने चाहिए। 4265, आपने 5000 दिए, आप कह रहे हो 1000 उसने आपको वापस पहले ही कर दिए। हाँ तो एक फिर 4200 कहाँ से आ जाएगा? मतलब पूरा टोटल जोड़ के मैं बता रहा हूँ। हाँ? ऐसे मुझे सर 3265 रुपये चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि 3200 हुए ना। हाँ, आपके हिसाब से आपको चाहिए 3265 रुपये, क्योंकि 1000 आपने सोचा कि वो हो गया, 1000 वापस कर दिए उसने रिचार्ज के लिए। कितने दिए रिचार्ज के लिए? 265 और 1000। आप ये मान रहे हो कि एक महीने की फीस हो गई? अच्छा, तो इतने काट के आपको मिल जाए तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये लो, ये बात कर लेना एक बार उनसे, बता देना, कहना नहीं तो ये स्टूडेंट को क्यों तंग कर रहे हो, और नहीं है तो फिर FIR हो जाएगी। बैठिए, अभी थोड़ी देर बाद बुलाएंगे, बाहर बैठिए।